उत्तराखंड में कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए तमाम अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 महीनों में कोरोना के कुल 4 या 5 मरीज पॉजिटिव आए हैं, साथ ही 1 की मौत भी हुई है। बदलते मौसम की वजह से वायरल बुखार होना आम बात है। वहीं फ्लू और कोरोना दोनों तरीके के वायरस चल रहे हैं, जिसको देखते हुए बुजुर्गों पर इसका खतरा ज्यादा रहता है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें और रोजाना गर्म पानी पिएं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। पर ज्यादातर जब कोरोना के इस टाइम पे पिछले 2 महीने में 5 या 6 मरीज टोटल आए हैं, इसमें ज्यादातर ये एक चांस फाइंडिंग रही है। इस क्रम में बताना चाहूंगा कि इस तरह की 1 डेथ पिछले दिनों हुई है, जिसमें कोरोना की चांस फाइंडिंग थी। हालांकि वो कोरोना की वजह से नहीं लग रही है, लेकिन उसकी एक आंखें आनी भी बाकी है। इस क्रम में बताना चाहूँगा कि बाकी सभी लोग, चूँकि बदलता मौसम है, तो ऐसे मौसम में वायरल फीवर होना बहुत ही कॉमन सी बात है। और इस क्रम में एक बात और है कि फ्लू और कोरोना दोनों तरीके के वायरस चल रहे हैं, तो ऐसे में जो एल्डरली पर्सन है, जो रिस्क पर है, वो ज़्यादा गंभीर रूप लेने का चांस हमेशा रहेगा उनका। तो वो सब लोग भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से बचें, मास्क का उचित उपयोग करें, पानी पीने की अपना एक क्रम बनाए रखें, क्योंकि जाड़ों में लोग पानी कम पीते हैं, जिससे गले में अगर कोई वायरस गया भी है तो वो थोड़ा टाइम उसे मिल जाता है, वो अपना एक गंभीर रूप लेने में फिर सक्षम हो जाता है। तो यही सब सुविधा एक जो हम लोगों ने पहले भी अपनाई है आदत, उन्हीं आदतों से अभी भी बचे रहेंगे। इसमें कोई भी घबराने की बात इसलिए नहीं कि बहुत कम नंबर हैं अभी तक भी, हम लोग बिल्कुल पूरी तरह अलर्ट पर हैं और हमारे सभी डॉक्टरों की इस तरह की टीचिंग ट्रेनिंग है। और आपने देखा होगा, हमने 9 बेड का ICU और 20 बेड का ऑक्सीजन वार्ड इन चीज़ों के लिए अभी भी अलग रखा हुआ है, जहां पर हमारे इक्के दुक्के मरीज हमेशा भर्ती होते हैं और 1-2 दिन के बाद वो स्वास्थ्य लाभ लेकर